सांसद प्रिंस राज पर एफआईआर होने के बाद भाई और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने दोनों पक्ष को सुना है और एफआईआर में नाम सिर्फ मेरा है, मैं दोषी नहीं हूं और कानून अपना कार्रवाई करे, जो उचित कार्रवाई हो वो करे। पहले सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था, पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटनाचक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उससे भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथोराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सर सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले। उसमें मेरा नाम आया है भाई, आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज़ हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया, और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पर पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, और उस वक्त हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दिया था पार्टी की तरफ से भी कि आप एफआईआर दर्ज करवाएं, और यही उन मोहतरमा को भी एडवाइस किया गया। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एफआईआर में सिर्फ नाम मेरा है, न कि एफआईआर हम पे किया गया है, एफआईआर प्रिंस राज पे हुआ है और उससे पूर्व में हमने पहले ही दोनों पक्षों को बुलाकर दोनों की बातें सुनी थी। अब मामला कानून के संज्ञान में है, कानून अपना काम करेगी। साफ तौर पे एफआईआर जो हुआ है प्रिंस राज पे, उसके बाद जो है चिराग पासवान खुलकर मीडिया में आए और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि कानून अपना काम करेगी, जो उचित कार्रवाई है, जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई करेगी। लेकिन जो बातें चल रही है मीडिया में कि चिराग पासवान पे एफआईआर हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। एफआईआर में नाम मेरा है, बता दें कि एफआईआर में जो है धमकी देने का आरोप जो है वो जो लड़की है उन्होंने लगाया है। तो इसको लेकर अब साफ तौर पे चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि एफआईआर में सिर्फ नाम मेरा है, ना कि हम दोषी हैं, कानून अपना कार्रवाई करेगी। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिन्होंने प्रिंस राज मामले में साफ तौर पे अपनी बातें जो है रखी है। देखते रहे लाइंस बिहार, नमस्कार।